सुलक्षणा के साथ क्यों भागेगी? कहाँ गए होंगे ये दोनों? यशोदा ने बहुत गलत किया सुलक्षणा के साथ। आखिर सुशील के मौत में सुलक्षणा का कहाँ दोष? मैं कहती रही पर यशोदा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब कहाँ ढूंढने जाऊँ अपनी बच्ची को? और यशोदा का भी कोई पता नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा है जिसकी यशोदा जी से कोई दुश्मनी हो? मुझे नहीं मालूम साहब, आप तो बस मेरी बच्ची और यशोदा को ढूंढ दीजिए साहब, यशोदा को ढूंढ दीजिए। सर, मम्मी की अगर किसी से नहीं बनती थी तो बस मेरी बहन सुलक्षणा से। क्या हुआ मम्मी? लगी ना कोई भी काम को इतना भारी क्यों बना देती है? कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती तू, हर चीज में इतनी पनौती लगाने की क्या जरूरत है? कोई भी काम को अगर तू नहीं करना चाहती है तो जाके चुपचाप से कमरे में बैठ जा, कम से कम तेरी मनुष्य शक्ल तो देखने नहीं पड़ेगी। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रही है आप? अच्छा, बड़ी तरफदारी कर रहा है तू इसकी, और वैसा तो तेरी इसे बिल्कुल नहीं बनती है, और आज तेरे को बड़ा भाईचारा सूझ रहा है। अरे तुम दोनों तो मुझे पागल करके छोड़ोगे। मम्मी और दीदी दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, पर सब कुछ इतना जल्दी बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। सुलक्षणा भाग गई या उसका जो कुछ भी है मुझे नहीं मतलब उससे। सर पर मेरी मम्मी, सर मेरी मम्मी को ढूंढ दिया सर, प्लीज सर। अभिमन्यु, इस वरुण के बारे में अच्छे से जानना होगा हमें, तभी इसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। सर, वरुण के बारे में सबसे अच्छे से उसका दोस्त यही बता सकता है सर। तो ढूंढो उसको थाने, देखने क्या है उसके पास बताने के लिए। यस सर। और उसके दोस्तों को दिखाया। भाग क्यों रहा था? ये एक मिला बाकी भागे। भाग क्यों रहा था? अबे भाग क्यों रहा था साहब को देख के? हमने तो तुझे पूछताछ के लिए बुलाया। वो साहब जुआ खेल रहा था ना, तो लगा साहब उसके लिए पकड़ने आए। अच्छा एक बात बता, हमने सुना है वरुण बहुत खुश हुआ करता था अपनी बहन के रिश्ते टूटने पर। और क्या पियोगे? अरे बोलो यार, दिल खोल के बोलो, आज तो सारे ब्रांड है अपने पास। क्या बात है वरुण, आज कोई लॉटरी लगी है क्या? डॉक्टर याद है क्या जो दीदी को देखने आने वाला था, यूएस वाला? हाँ हाँ वही। क्या हुआ उसको? अरे हमने सोचा था यार इस बार इतना अच्छा रिश्ता आया है, इस बार तो मैडम हाँ बोल ही देगी। हाँ नहीं बोला क्या? ऐसी बात नहीं है, इस बार उसने नहीं सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया डॉक्टर साहब ने। अब जाकर कोई मिला जो उसको होश में लेके आएगा। चल इसी बात पे चेयर्स मारते हैं। चेयर्स। वरुण बहुत नफरत करता है सर अपनी बहन से। तो तुझे क्या लगता है, वरुण ने ही अपनी बहन को गायब किया होगा ना? मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा, आखिर कुछ भी हो वो उसकी बहन है। क्या सत्या, सुना तो वरुण का बहुत खास दोस्त है, उसके खास कामों में भी मदद करता है क्या? देख सत्या, सच सच बता दे जो भी जानता है, वरना बाद में कुछ भी बताने में बहुत तकलीफ होगी तुझे। वरुण, तुम सिगरेट पीते हो? हाँ पीता हूँ, दारू भी पीता हूँ। बोल क्या कर लेगी, माँ और दीदी को बोलेगी? जा बोल दे, चुगलखोर नहीं की। तो वरुण और रंजना की भी नहीं बनती थी? सर वरुण की तो किसी से नहीं बनती थी। जय और तुम सबका क्या? सर हम सब तो खा पी के मस्त रहते थे। अभिमन्यु, ये रंजना का मामला समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इन सबके बीच में पड़ी कैसे और अब वो है कहाँ। एक काम करते हैं, उसके फ्रेंड से पूछताछ करते हैं, हो सकता है उन्हीं से कोई जानकारी हासिल हो। यस सर। उमा जी। उमा, हमें पता चला है कि तुम सुलक्षणा और रंजना के साथ पढ़ा करती थी, इनफैक्ट उस ग्रुप में भी थी जिस ग्रुप में वो दोनों थी। सर रंजना तो मुंह खोलने से पहले कुछ सोचती नहीं थी। हाय रंजना। हाय। मैंने सुना है तुम सुलक्षणा की सबसे अच्छी दोस्त हो। यस। क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराओगे प्लीज? लेकिन बेचारी का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसके बॉयफ्रेंड से, तो काफी उदास है वो। पर यार इतनी अच्छी लड़की है तो कोई क्यों छोड़ेगा भला? वो एक्चुअली ना उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पता है कल वो अपने बॉयफ्रेंड पे गिर पड़ी, बेचारी मरते मरते बची है। क्या? हाँ ये तो एक बीमारी है, मुझे पता है,
तुम उसे अच्छे से संभाल लोगे। तुम कहो तो मैं उससे हाजी बात। नो 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 रंजना थैंक्स। ओके बाय। अरे यार क्यों डरा दिया उस बेचारे को? तुझे क्या पड़ी है, तो जूस पीना। और वो मिर्गी वाली बात, अगर उसने कॉलेज में फैला दी तो एक कार में सुलक्षणा का नाम खराब हो जाएगा। सुलक्षणा का नाम खराब होगा? तुझे क्या पड़ी है, जूस पी। सर रंजना तो मुंह खोलने से पहले कुछ सोचती नहीं थी, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसके ऐसा करने से क्या होता है। सर ऐसे लोग दोस्त तो नहीं हो सकते। रंजना सर वो तो इधर उधर की ही बातें करती थी। सर ये बात तो सुलक्षणा को भी पता थी कि रंजना उससे जलती है। मैं क्या करूं यार, लोगों से बेहतर हूं तभी तो मुझसे जलते हैं, और जलते हैं तो जलने दो, वो कभी मेरे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। पर सर सुलक्षणा को सब कुछ पता होने के बावजूद वो रंजना से कुछ नहीं कहती थी। सर एक बार तो उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, किसी डॉक्टर का था, US में सेटल था। पर सर रंजना ने हम लोगों से शर्त लगाई कि वो उस लड़के के लिए भी मना कर देगी। देखा मैंने कहा था ना, सुलक्षणा इस रिश्ते को भी मना कर देगी। चल अब निकाल मेरे शर्त के 500 रुपए, जल्दी जल्दी। ये ले तेरे 500 रुपए। अब आप ही बताइए सर, इतने अच्छे रिश्ते को कौन मना कर सकता है? पर हुआ वही जो रंजना ने कहा था। ये रंजना इतनी श्योर कैसे थी? आखिर क्या वजह थी जो सुलक्षणा ने इतने अच्छे लड़के को मना कर दिया? सर मुझे तो लगता है कि रंजना ने उसके कान भरे होंगे, या फिर वरुण, वो तो उसका अच्छा कभी सोच ही नहीं सकता। इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि सुलक्षणा जानबूझकर चाहती थी कि रंजना उसके बारे में यहां वहां बातें करती फिरे। यहां एक तरफ रंजना लोगों से यह कहती थी कि सुलक्षणा ने अभी तक आए सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, वहीं वरुण के दोस्तों का कहना है कि उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिसने सुलक्षणा को ठुकरा दिया था। अब ये बात अगर वरुण के दोस्तों को मालूम है तो जाहिर सी बात है रंजना को भी मालूम होनी चाहिए। तो फिर रंजना ने लोगों से झूठ क्यों बोला? और इन सब के बाद सुशील और सुलक्षणा की शादी कैसे हुई? सुशील से शादी करने के पीछे सुलक्षणा का क्या मोटिव होगा? एक काम करते हैं, पता करते हैं सुलक्षणा के लिए रिश्ते कहां कहां से आए थे, उन लड़कों से, उनके घर वालों से बातचीत करते हैं, पता तो करें कि मामला था क्या। अरे अपने आप को समझती क्या है वो सुलक्षणा, मेरे बेटे के रिश्ते के लिए ना कर दिया। अरे अच्छा ही हुआ जो ना कर दिया। अरे भोपाल में मैकेनिकल इंजीनियर है मेरा बेटा, और लाइन लगी पड़ी है उसके लिए सुंदर लड़कियों की। हाँ लड़की हमें अच्छी लगी थी, और हमने उसे जिस दिन देखा उसी दिन उसके घर वालों को फोन करके बता दिया था कि जल्दी से जल्दी एक डेट फिक्स कर दीजिए। एक्चुअल में सर क्या है, मेरा लड़का US में डॉक्टर है और उसे जल्दी वापस भी जाना था, पर तभी। आप कौन? अंकल मैं सुलक्षणा की फ्रेंड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आई। उसकी दोस्त होकर उसके बारे में ये सब बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? आप यहाँ से जा सकती हैं। अरे मुझे दया आती है उस लड़की के ऊपर जिसकी तुम जैसी दोस्त है, जाइए यहाँ से। जो उस लड़की ने मुझे सुलक्षणा के बारे में बताया वो जानकर तो मेरा मन ही बदल गया। मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और मैंने फौरन सुलक्षणा की माँ को फोन करके रिश्ता कैंसिल कर दिया। रेलवे ट्रैक के पास यशोदा की लाश बरामद हुई है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट अपने थाने में दर्ज है। क्या यशोदा जी? सर यशोदा जी की डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पर। पुलिस इस पूरे मामले को समझने और उसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी थी कि अचानक मिली यशोदा की लाश ने सबको चौंका कर रख दिया, और साथ ही पुलिस को शक था कि सुलक्षणा और रंजना दोनों ने ही मिलकर सुलक्षणा के रिश्ते तोड़वाने की साजिश की थी। तो क्या सुशील की आत्महत्या और यशोदा की हत्या के पीछे भी इन दोनों का ही हाथ था, या फिर इस सब के पीछे कोई और ही बेहद शातिर अपराधी था और सुलक्षणा और रंजना भी उसी की साजिश का शिकार हुई थी? पर आखिर सुलक्षणा और रंजना थी कहाँ? सर सर यशोदा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। एक बड़ी अजीब बात है, यशोदा जी की बॉडी रेलवे ट्रैक पर कटी मिली सर, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत किडनैपिंग वाले दिन सिर पर चोट लगने की वजह से हो गई। उसका मतलब कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए कत्ल करने के बाद बॉडी को रेलवे ट्रैक्स पर डाल दिया ताकि ये केस एक्सीडेंट का या फिर सुसाइड का लगे। अभी मनी ये केस तो दिन ब दिन सॉल्व होने की बजाय उलझता चला जा रहा है। आखिर कौन कर रहा है ये सब? किसने उन फोन कॉल्स के जरिए यशोदा जी को अपने घर से इतनी दूर पीसीओ बूथ तक बुलाया होगा? क्या वरुण ने किया होगा ये सब? हो सकता है वरुण का रंजना के साथ कोई चक्कर हो और इन सब में वो दोनों साथ हो, या फिर रंजना और सुलक्षणा की कोई प्लानिंग हो और अब जानबूझकर वो दोनों गायब हैं।
एक काम करो, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आओ। सर सर ये देखिए जैके कॉल रिकॉर्ड सर। सर इसने पिछले 3 महीने में यशोदा और सुलक्षणा जी को कोई इक्का दिक्का कॉल किया, लेकिन जिस दिन से हमने सुलक्षणा को रूम से बाहर निकाला है इसके कॉल सुलक्षणा के नंबर पर लगातार बढ़ गए हैं सर। बोल क्या चक्कर है तेरा सुलक्षणा के साथ? सर चक्कर? सर नहीं सर, मेरा सुलक्षणा के साथ कोई चक्कर नहीं है, वो तो मेरे दोस्त की बहन है। तेरी तो बहन नहीं है ना? सर फोटोग्राफी का शौक है तभी इतनी फोटोग्राफ्स हैं सुलक्षणा की तेरे मोबाइल में। सर मैंने तो बस उसकी फोटोज ली थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। सर देख जा, सच सच बता दे कि सुलक्षणा कहाँ है, वरना हमारे यहाँ सिर्फ लात और घूसों से बातें होती हैं, समझा? और हमें पता चल गया है कि यशोदा को भी तू नहीं मारा, क्योंकि उसे तेरे और सुलक्षणा के संबंधों के बारे में पता चल गया था। रास्ते का कांटा जो बन रही थी वो तेरे, और सुशील उस बेचारे ने भी इसीलिए आत्महत्या की क्योंकि उसे तुम दोनों के बारे में पता चल गया था। सर कसम से साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए सर। और सुलक्षणा को मैं सिर्फ दिल से चाहता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए आप लोग, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हेलो, हाँ मैं बस अभी आया। सर हमारा दोस्त जय नहीं मिल रहा। जय नहीं मिल रहा मतलब? कल वो पुलिस स्टेशन आया था पूछताछ के लिए सर, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है सर, उसके घर में ताला लगा हुआ है सर। हमने उसका फोन भी ट्राई किया पर फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, वो मुझे 3 बार कॉल कर चुके हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ सर? प्लीज सर हमारे दोस्त को ढूंढ दीजिए सर। सर प्लीज सर, हमने भी बहुत कोशिश की है सर उसको ढूंढने की पर कहीं भी नहीं मिला वो। प्लीज सर जल्द से जल्द उसको ढूंढ दीजिए सर। इस केस में अब तक हुई सभी घटनाओं को प्लान करने वाला मास्टरमाइंड कहीं और ही बैठा था, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसको पकड़ने की हर कोशिश नाकामयाब साबित हुई थी। सुशील की आत्महत्या से लेकर जय के गायब होने तक का पूरा खेल बड़ी होशियारी से रचा गया था। इन सब के पीछे जो भी था वो 2 कदम आगे की चाल चल रहा था। आखिर ये सब कौन कर रहा था? तो जय है सर, इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर उधर भी ये सुलक्षणा की लाश लगती है सर। हाँ अभिमन्यु एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सुलक्षणा की लाश की हालत काफी खराब हो चुकी है, लगता है इसकी मौत काफी पहले हो चुकी है। सर अब रंजना बाकी है अगर उसे कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं हो। सकता है अभिमन्यु की रंजना ही इस सब के पीछे हो, उसी ने इन सबको मारा, तभी वो हमें मिल भी नहीं रही है। वैसे एक शख्स है जिसका इस केस से लेना देना था। क्यों मारा जाए और सुलक्षणा को? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तुझे ये बात खटक रही थी ना कि उन दोनों के बीच में कुछ है? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। देख वरुण अब इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है, जय तेरा दोस्त था ना, करीबी दोस्त, तूने उसके फोन में अपने बहन की फोटोग्राफ्स देखी, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुझे गुस्सा आया और दोनों को मार डाला। नहीं सर ये सच नहीं है। सच क्या है रंजना? इन सब के बीच में तेरा उससे क्या लेना देना था? उसे भी मार डाला या फिर वो इन सब में तेरे साथ मिली हुई है, कहीं छुपी हुई है? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और अपनी माँ को मारने का क्या कारण था तेरा? यही ना, क्योंकि वो तुझे सुलक्षणा से कमला एक समझती थी, या फिर वक्त के साथ उसने उन दोनों के रिश्ते को हरी झंडी दिखा दी थी। तू बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। नहीं सर ये बिल्कुल झूठ है सर। सर मैंने अपनी माँ और बहन को नहीं मारा सर।
सर रही बात रंजना की, सर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर उसके बारे में। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। साहब मारा वरुण के छोड़ दो साहब, मने विश्वास है कि उन्हें कहीं भी को नहीं करे होएगो। मने दोष है साहब, उन्हें छोड़ दो। मैं जानू वो शो काम नहीं कर सके, उन्हें छोड़ दो साहब, उन्हें छोड़ दो। एक काम करो, अभी तो इस वरुण को जाने दो, अपना एक कांस्टेबल इसके पीछे लगाओ जो इसके बारे में पल पल की जानकारी हमें दे। इसके फोन कॉल टेप करो, रंजना इससे मिलने की जरूर कोशिश करेगी या फिर ये उसे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और तभी हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि शक के बिना पर हम इसे ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। यस सर। और अगर इस केस में रंजना का जरा सा भी हाथ है तो उसका मोटिव क्या होगा? क्या सुलक्षणा के खिलाफ उसकी नफरत ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया होगा? नहीं, ये एक अकेली लड़की का काम हो ही नहीं सकता। इस खेल में जरूर उसके साथ और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पत्ते अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। रंजना से जुड़े हर शख्स की बैकग्राउंड को खोद निकालो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। यस सर। सर जय के मोबाइल में जो सुलक्षणा के फोटोग्राफ्स मिले थे उनके प्रिंटआउट है सर, इनमें से कुछ लोगों को हम नहीं जानते सर। अभी मैंने लगता है ये फोटोग्राफ मार्केट एरिया के हैं, ऐसा लगता है लोग पीछे घूम रहे होंगे जो फोटोग्राफ्स में आ गए। और वरुण के पीछे जो कांस्टेबल भेजा था उसने कोई जानकारी दी? नहीं सर, कुछ खास नहीं। और रंजना के बारे में कोई टिप मिली? नहीं सर, उसका भी अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी ये केस सॉल्व होने से कोसों दूर था। ये समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर सुशील की आत्महत्या का राज क्या था, रंजना कहां गई और बाकियों की मौत की वजह क्या थी। साथ ही साथ उस शख्स का भी पता नहीं चल पा रहा था जिसने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया था। इस केस की हर गली एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही थी। मुजरिम ने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के सारे हथकंडे अपनाए थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ और फिर से यह साबित हो गया कि परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज होती नहीं है। सर मेरा नाम उमेश है, मैं जयपुर से हूँ। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर, ये एक लेटेस्ट फोटो है सर। सर इसमें मैं हूँ, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी मेघना है। कैसे गायब हुई? दरअसल हम यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आए हुए थे। आज जब कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम बस से वापस जयपुर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में हमने रियलाइज किया कि मेघना बस में थी ही नहीं। वापस जाकर हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? नहीं सर, मेघना बिना बताए कहीं नहीं जाती है। जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। सर आसपास के हर एरिया पता करा लेकिन कोई पता नहीं चला। ऐसा करते हैं वहां के लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सर अरे ये आदमी, ये आदमी तो बहुत फेमस है हमारे इलाके में अपनी करतूतों की वजह से। मुझे मत मारो, इतना ये करती नहीं है। तेरा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाऊंगी। एक मिनट, क्या हुआ? सर ये लड़कियों को बस में छेड़ता है, इधर उधर टच करता है। क्यों बे, क्या कर रहा था तू? बोल क्या कर रहा था? हम FIR दर्ज करने ही वाले थे, इसकी बीवी यहाँ पर आ गई, ये औरत। क्या हुआ? देखना, देखा इन लोगों को क्या गलत फहमी हो रही है। समझाओ इनको, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारा पति है? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। लेकिन हुआ क्या? ये बस में मुझे छेड़ रहा था। देखिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई माफी वाफी नहीं सर, आप शिकायत दर्ज कीजिए और FIR लिखिए। नहीं बहन, कोई FIR दर्ज मत कराइए, मेरा एक छोटा बच्चा है, उस पर इन सब बातों का बहुत गलत असर पड़ेगा। FIR दर्ज होगी तो इनकी नौकरी चली जाएगी, हमारा पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज FIR दर्ज मत कराइए। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पति की इन्हीं हरकतों के कारण मेघना भाग गई हो या फिर उसने सुसाइड कर लिया हो। उसके साथ के एक औरत ने उसे उस दिन रोते हुए भी देखा था। आप बेफिक्र रहिए, हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, इन फोटोग्राफ्स को शहर में और आसपास के इलाकों में सर्कुलेट करो। यस सर। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकता, वो बहुत भोला है सब।
साहब एक नंबर का छिछोरा इंसान है। जब से हमारे घर के सामने रहने आए ना, तब से मैंने तो अपने घर के खिड़की दरवाजे खुला रखना ही बंद कर दिया है। मेरी बहू ने तो नाक में दम कर रखा था मेरे बेटे के। आए दिन झगड़ा करती थी, उसकी जिंदगी नर्क बना के रख दी सर। अब देखिए ना, जानबूझकर गायब हो गई ताकि सारा इल्जाम मेरे बेटे पे आ जाए। पता नहीं बेचारी कैसे इतने सालों से उसके साथ रह रही थी। मैं तो दो मिनट भी नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। सॉरी। अब मेरा बेटा क्या कर सकता है साहब? पति पत्नी के बीच की बात बताऊं सर, वो अपने पति को हाथ तक नहीं लगाने देती। हटो तुम, छुआ मत करो मुझे। मैं नहीं छू, अरे मैं नहीं छूंगा तो फिर कौन छूएगा? अरे आज तो मेरा प्रमोशन हुआ है, अरे आज तो पार्टी बन गई है। तुम्हारी ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। कितनी बार बोला है मुझे मत छुआ करो। जब से मेरी शादी हुई मुझसे दूर रहती थी, और सर बच्चा होने के बाद तो उसने मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया। FIR वाले किस्से के बाद में तुम दोनों के बीच में कभी कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं लगा। उमेश, ये तुम्हारे जॉइंट अकाउंट की बैंक डिटेल्स। इसके हिसाब से बीवी के गायब होने के ठीक एक दिन पहले तुमने बैंक से हैवी कैश विड्रॉ किया था। पैसा सेल्फ चेक से निकाला गया था जिस पर तुम्हारे सिग्नेचर थे। बीवी के गायब होने से पहले इतना पैसा निकलवाने की कोई खास वजह? सर आप किस चेक की बात कर रहे हैं? मैं तो पिछले हफ्ते से बैंक ही नहीं गया। सेल्फ चेक तो किसी को भी भेज कर कैश करवाया जा सकता है। सच सच बताओ मामला क्या है? दरअसल मेरी और मेघना की कुछ जॉइंट पॉलिसीज हैं, और कई बार मैं बिना पढ़े लिखे ही चेक पे साइन कर देता हूँ। हो सकता है सर ये चेक उन्हीं में से एक हो। मेघना अपनी शादी से खुश नहीं थी सर। उमेश एक अच्छा लड़का नहीं था, मुझे मेघना ने सब बताया था। मैं क्या बताऊँ माँ, उमेश से शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती करी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सूझती है, उसे तो बस वही वही करना है माँ। उसके दिमाग के इलाज की जरूरत है उसको। मेघना, ए मेघना, क्या हो गया? ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? अरे सब सही हो जाएगा। उमेश क्या तुम 4-5 दिन रुक नहीं सकते? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तो हर महीने होता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी हम किसी और के पास जाया करें। आप ही बताइए साहब, कोई अपनी बीवी को जानवरों की तरह रखता है क्या? मेघना की सास और उसके पति का कुछ और कहना है, जबकि पड़ोसियों और मेघना के माँ बाप का कुछ और। सास और पति तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी झूठ क्यों बोले? सर ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ भाग गई हो। इस केस को अभी तो हम 3 एंगल से देख सकते हैं। पहला ये कि मेघना अपने पति से परेशान थी और उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि जहाँ से वो गायब हुई थी उसके आसपास खोजबीन कर ली गई है और हमें कुछ नहीं मिला। दूसरा हो सकता है मेघना को किसी ने किडनैप कर लिया हो, लेकिन अगर ऐसा भी होता तो अब तक किडनैपर का कॉल तो आता। और तीसरा, जैसा कि आपने कहा, हो सकता है वाकई में उसका कोई लवर और वो उसके साथ भाग गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उमेश ने अपनी बीबी के बर्ताव से तंग आकर उसे मरवा दिया हो। मेघना के गायब होने से एक दिन पहले उमेश ने बैंक से काफ़ी पैसा निकलवाया था। सर मुझे लगता है ये मर्डर किसी और को पैसा देकर करवाया हो। एक काम करो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो और मेघना की फोटो पेपर में छुपा दो, साथ ही साथ आसपास के थानों में सर्कुलेट भी करवा दो। जी सर। अभी भी एक औरत का फोन आया है, उसने मेघना की फोटो अखबार में देखी। उसका कहना है कि उसने मेघना को अपने इलाके में देखा है। मेघना को देखा है? जी सर। चलो गाड़ी निकालो। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको कहीं देखा है। बताइए सर। कहीं तो इसे देखा जरूर है। एक काम करो, जय और सुलक्षणा मर्डर केस की फाइल लेके आओ। लाता हूँ सर। ये देखो, मैं कह रहा था ना, ये साथ में जो सुलक्षणा के खड़ी है ये वही है।
सेम। एक काम करो, इस केस के थाना इंचार्ज से बात करो। एक मिनट सर। फौरन। जैन सर, थाना सदर से सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह। क्या आपने इनको कहीं देखा? नहीं सर। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी ये नजर आती हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। थैंक यू। अभिमन्यु, जिस सुलक्षणा नाम की लड़की का फोटोग्राफ तुमने मुझे भेजा है, मैंने उसे अभी अभी दबिश के दौरान देखा है। क्या? आर यू श्योर सर? या, आई एम श्योर। सर, उन्होंने दबिश के दौरान सुलक्षणा को कहीं देखा है सर? क्या? कुछ पैसे रखे? जिंदा हो तो फिर वो कौन थी जिसकी लाश हमें बरामद हुई थी? रंजना, रंजना कहाँ जा रही है? ट्यूशन पढ़ाने। अरे ट्यूशन बाद में पढ़ा लेना, अभी चल मेरे साथ। अरे पर तेरे लिए एक सरप्राइज है। अरे ट्यूशन जरूरी है यार, ट्यूशन बाद में पढ़ा लेना, तुझे मेरी कसम। चला। अच्छा ठीक है, मैं माँ को बता देती हूँ। माँ को बाद में बताना, पहले सरप्राइज देख ले। अच्छा ठीक है, पर हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता। देख ना, अभी चुप है, अब चुपचाप चल। आजा। पर बता तो सही, सरप्राइज क्या है? पहले इधर बैठ, मैं अभी आई। पर ये तो मुझे कहाँ ले आई है? ये सब बातें छोड़ और ये ले। ये तो तेरा है ना? हाँ मेरा है, और ये कंगन और अंगूठी भी। पर ये तो तेरे है ना? हाँ मेरे है, पर तू हमेशा मेरी तरह दिखना चाहती थी ना, तो बस आज से ये तेरे लिए हुए। सुलक्षणा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बता। आज तक मैंने तेरी बहुत बुराइयाँ की हैं, और वो डॉक्टर वाला रिश्ता वो भी मैंने ही तोड़वाया था। और तो और, जिस दिन सुशील जी ने आत्महत्या की उस दिन भी मैंने उन्हें बहुत ताने मारे थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी आत्महत्या की एक वजह मैं भी हूँ। क्या हुआ, वापस आ गए ना? मुझे तो पता था एक ना एक दिन ये होना है। आप सुलक्षणा को झेल ही नहीं पाओगे, आप जैसा उसे समझ रहे हो वैसी लड़की नहीं है। पता है, फुद्दू समझती है वो आपको, फुद्दू। हंसती है वो आप पे, जोकर समझती है आपको। पता नहीं आपने क्या देख के उससे शादी कर ली, आपकी जिंदगी तो नरक हो गई। रंजना, जो सब हो गया सो हो गया, भूल जाए इसे अब, कोई बात नहीं। तूने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बाबा, चल जाब चेंज कर ले, अभी पहन के आती हूँ। ठीक है।
देख कैसी लग रही हो। अरे वाह रंजना, तू तो बहुत सुंदर लग रही है इसमें। और ये कंगन बहुत अच्छी लग रही है। पर अपनी माँ को क्यों मारा? उन्हें सब कुछ पता चल गया था, और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। क्या पता चल गया था उन्हें? ले खा ले। मम्मी 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 सुनो तो सही, मम्मी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ? मम्मी प्लीज मुझे बाहर जाने दो। जाने दो तुझे बाहर? किस लिए? तू बाहर जाकर जो करती है ना, वो मुझे सब कुछ पता है। क्या मतलब? तू क्या समझती है मुझे कुछ नहीं पता? तेरे बारे में सुशील ने मुझे सब कुछ बता दिया था। सुशील तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए? फुद्दू दिखता हूँ मैं, शक्ल से पागल हूँ? अरे क्या नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। और आपने, आप लोगों ने क्या किया? एक ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी कर दी जिसको लड़के नहीं सिर्फ लड़कियां पसंद है। सुशील ये क्या बोल रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से सुलक्षणा को उस लड़की के साथ होटल के कमरे में। समाज में पता चलेगा तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब तू मर यहीं पर, सड़ कहीं नहीं जाएगी तू। क्या तुम लोग समलैंगिक हो? लेस्बियन? अच्छा तो यही वजह थी जो सुशील ने आत्महत्या की। ये सब जानने के बाद मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, हमें मिलने से रोक दिया। और जैसे ही सुलक्षणा अपनी माँ की कैद से बाहर निकली, हमने मिलकर प्लानिंग की, जिसके हिसाब से सुलक्षणा जानबूझकर अपना मोबाइल घर छोड़ आई और मैंने PCO से उसके मोबाइल पर कॉल किया। हाँ सुलक्षणा, कहाँ हो तुम? कितना दिन हुआ मिले हुए? प्लीज देखो, हमने जो डिसाइड किया था ना, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, सुलक्षणा को फोन मत किया करो। आंटी नहीं, आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आंटी समझने की कोशिश करिए प्लीज। आप मिलिए मुझसे एक बार, मैं आपको सब समझा दूंगी। आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। आंटी मैं ना, मैं गोविंद स्टेशनर्स के बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज आंटी आप मुझसे मिलने आ जाइए। ठीक है मैं आती हूँ। यशोदा तू कहाँ चली? अरे सुन तो यशोदा। भैया कॉल कर। हेलो मैडम। हाँ आंटी, मैं ना उस दुकान से निकल गई थी तो आप उसके थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आइए आंटी, आइए ना, आइए बैठ के बात करते हैं। तू यहाँ यही सब करने के लिए तू घर से निकलती है? तुझे मना क्या था ना ये सब करने के लिए? मैंने यहाँ तक भी कहा था कि तू इससे नहीं मिलेगी, पर तू नहीं मानी, तो ये शर्म थोड़ी आती है तुझे? तो मैं बताती हूँ, रुक जा तू। अगर तुम और मेघना एक दूसरे को इस हद तक चाहते थे फिर दोनों ने शादियाँ क्यों की? सर मुझे नहीं पता मेघना से प्यार करना सही है या गलत, पर अगर मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए प्यार जागा तो इसमें मेरी क्या गलती? हमारे समाज में इन सब रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं है। पर मैं और मेघना, हम तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। सुशील और उमेश दोनों बेवकूफ किस्म के इंसान थे, हमें लगा हम आसानी से उनके पीठ पीछे मिल सकते हैं। सिर्फ इसीलिए मैंने सुशील से और मेघना ने उमेश से शादी कर ली। हमें लगा वो कभी हमारे लिए मुसीबत बन ही नहीं सकते। सुलक्षणा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? सुलक्षणा से पहली मुलाकात एक करियर काउंसलिंग के दौरान हुई, वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई और हमें प्यार हो गया। जय, उसे मारने के पीछे तुम्हारा क्या मोटिव था? वो इन सब के बीच में कैसे आया? आप लोगों ने जब मुझे कमरे से निकाला तो मैं वापस मेघना से मिलने लगी, और इसी दौरान जय ने हम दोनों को देख लिया। वो इस बात का गलत फायदा उठाना चाहता था
देख लो, लोगों को पता चला ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी दोनों। वैसे मेरी डिमांड इतनी बड़ी भी नहीं है, सिर्फ तुम दोनों और मैं, सबके मजे। क्या क्या बोलती हो? जय ने खुद अपनी मौत को दावत दी, वो हमारे लिए खतरे की घंटी बन गया था, इसलिए उसे छोड़ना हमारे लिए बेवकूफी होती। शायद नहीं। हेलो, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ, मैं बस अभी आया। मैं और सुलक्षणा, हम दोनों ने तय किया था कि अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। अब हमारे बीच आने वाला कोई नहीं बचा था, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। इन सबको मारने के बाद कोई तुम्हारे बीच में ना आए, पर शायद ये भूल गए कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही मंजिल पर खत्म होता है, जेल। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हम सबके स्वभाव में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये हम पर हावी होने लगते हैं तो नतीजा विध्वंसकारी होता है। सुलक्षणा ने मेघना के साथ रहने के लिए सारी हदों को पार कर लिया। उन दोनों ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास की कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। सुशील ने सुलक्षणा को लेकर काफी सपने देखे थे, वो उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन जब उसे सुलक्षणा की सच्चाई पता चली तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुलक्षणा से मिले इस धोखे की वजह से उसने जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ दी और मौत को गले लगा लिया। और उधर सुलक्षणा ने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी माँ और अपनी बचपन की दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जय की मौत के लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार था, क्योंकि उसने सुलक्षणा और मेघना का गलत फायदा उठाना चाहा, उन्हें ब्लैकमेल किया। सुलक्षणा और मेघना ने अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए जो गलत कदम उठाए, उसकी वजह से उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी काल कोठरी में गुजारनी होगी। एक जिंदगी कभी किसी की चाहत से ऊपर नहीं हो सकती। हमें यह समझने की जरूरत है कि एक जुर्म को छुपाने के लिए की गई हजारों कोशिशें सिर्फ एक कोशिश ही बनकर रह जाती है, क्योंकि सच तो यह है कि किसी भी जुर्म को छुपाना नामुमकिन है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।